हे फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। दिस इज कमल रामवानी और हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट, यानी कि पजल्स का पार्ट। देखिए, इससे पहले हमारे चार वीडियोस हो चुके हैं, किस पे? सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, इस वाले पार्ट में हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। जिसने नहीं देखे हैं वो पीछे के चार पार्ट्स देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पूरा समझाया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, जिसमें एक ही साइड फेस कर रहे होते हैं लोग। एक पार्ट में इन एंड आउट फेसिंग थी, ठीक है, और उसके बाद एक पार्ट में हमने ब्लड रिलेशन भी किया है मिक्स करके सर्कुलर सिटिंग के साथ। एक में हमने सर्कुलर सिटिंग के साथ लाइक्स डिसलाइक्स भी मिक्स करी हैं, ठीक है, तो उसको देख सकते हैं। जिसने इन्हें नहीं देखा है, आपका सर्कुलर सिटिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इस वाले पार्ट में हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए बहुत ईजी है, जिसने सर्कुलर देख लिया उसको बहुत ईजी लगेगा ये। तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट को इस वाले पार्ट में जो बेसिक्स का पार्ट है वो हम देखने वाले हैं इसमें पर्टिकुलरली। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं SBI, IBPS, RRB, RBI किसी भी पर्टिकुलर बैंक के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए, वो इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। 10 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पीपल ईच इन सच अ वे डेट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 2 रोज बनानी है सबसे पहले तो। ठीक है, तो एक रो ये हो गई है और एक रो ये हो गई। देखिए इन दोनों रोज को मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे बनाया है, उसके पीछे एक रीज़न है, देख लेते हैं क्या है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लोग एक रो में बैठे हैं, ठीक है, और 5 लोग दूसरी रो में बैठे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन रो 1 PQRS and T आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, तो फर्स्ट रो में यानी कि रो 1 है ये, इसमें कौन बैठे हैं, PQRST, और ये किस साइड फेस कर रहे हैं, साउथ की साइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारी रो 2, इसमें कौन बैठे हैं, ABCD and E, ठीक है, आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ये सारे नॉर्थ की साइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड देयरफोर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द रो। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे भी ये बैठे हैं ये सब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, नॉर्थ साउथ का मतलब यही तो है, ये सारे साउथ की साइड हैं और ये सारे नॉर्थ की साइड फेस कर रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। देखो जो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है इन पजल्स को लेके, उनके लिए बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम इस वाले पार्ट में। ठीक है, बाकी जिनको आता है कोई बात नहीं है, इस वीडियो को देख लीजिए, आगे के वीडियोस जो भी हैं उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अब कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलते जाते हैं। तो डी सिट्स 3rd to the left of A। ठीक है, तो आपको देखो कंडीशन नोट करना, मैंने सिखाया हुआ है पहले ही। तो डी सिट्स 3rd to the left of A। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, अब आपको नोट कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करनी है। देखिए सर्कुलर में अलग एक सिस्टम था, यहाँ पे देखो क्या करना है। मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे ये गैप क्यों दे रहा हूँ दोनों के बीच में, इसका रीज़न ये है कि देखो 1 से 2 छोड़ के लेफ्ट में डी को रखना है अब हमें। ठीक है, तो क्या करो आप, डी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, 2 मैंने छोड़े और ए मेरा यहाँ लिख दिया। अब क्या करो आप, दूसरा केस यानी कि डी यहाँ आ सकता है और 2 छोड़ के ए यहाँ लिख दो। तो हुआ क्या, मैंने एक ही लाइन में 2 केसेस मैं अपने आप साथ में लेके चल सकता हूँ। एक को मैंने, एक केस को मैं ऊपर की साइड कर लेता हूँ और एक केस को नीचे की साइड लिख लेता हूँ, और सेम ही मैं इसमें अप्लाई करूँगा, एक यहाँ लिख दूंगा एक यहाँ लिख दूंगा। अब होगा क्या, लास्ट में जाके आपको पता ही होगा कि एक केस हमारा गलत हो जाता है, उसको मैं कट कर दूंगा, जो बच जाएगा वो हमारी करेक्ट पजल हो जाएगी। ठीक है, तो यही तो ऑप्शन है, बस इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखो 1 से 2 छोड़ के लेफ्ट में डी को बिठाना है, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं इनको रखने का। ठीक है, उसके अलावा क्या है, पी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ठीक है, तो पी जो है यहाँ से डी का इमीडिएट नेबर है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये वाली कंडीशन नोट करते हैं हम, सर्कुलर में हमने की हुई है बहुत सारी ऐसे। ठीक है, तो अब देखो क्या है और देख लेते हैं, इसके अलावा इससे हमें इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं आ रही है कि हम कुछ कर सकें। और देखो आर सिट्स 2nd to the right of P। ठीक है, तो पी से 2nd to the right में, सॉरी एक आएगा बीच में, ये हो गया हमारा R। ठीक है, अब देखो एक चीज़ में आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे अगर कोई बैठा है, ठीक है, अब क्योंकि वो इधर की साइड देख रहा है साउथ की साइड, तो उसका राइट क्या होगा, उसका राइट ये होगा। ठीक है, और उसका लेफ्ट क्या होगा, उसका लेफ्ट ये होगा। ठीक है, वाइल ये जो वो यहाँ पे जो बैठा है सेकेंड रो में, क्योंकि वो नॉर्थ की साइड देख रहा है तो उसका राइट ये होगा। ठीक है, और उसका लेफ्ट ये होगा। तो इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत हो जाना, बस यही एक चीज़ है जहाँ पे
क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है कन्फ्यूजन की वजह से, और कुछ रीजंस नहीं होंगे इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखते चलना। अब इसी ये मैंने क्यों बताया है? क्योंकि देखो, अब देखो पी से एक छोड़ के राइट में आर आना है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कहीं अगर पी है और वो क्योंकि इधर देख रहा है, ठीक है, तो एक छोड़ के राइट में ऐसे यहाँ पे आर आएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप समझना। अब देखो एक चीज़ हमें बोली है कि डी के जस्ट पास में जो बैठा है, डी का जो पड़ोसी है वो पी का, पी को फेस कर रहा है, ठीक है। अब मान लो डी को मैं यहाँ बिठाता हूँ, देखो कहाँ पे, आप देख लो एक बार मैं कहाँ मार्क कर रहा हूँ, नीचे वाली साइड, और डी का पड़ोसी कौन, ये यहाँ पे देखो जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, इसके जस्ट सामने अगर मैं किसको बिठाता हूँ, पी को बिठाता हूँ, यानी कि पी कहाँ पे आएगा, पी मेरा देखो यहाँ अगर आता है, ठीक है, तो पी के क्या मेरे एक छोड़ के राइट में आ सकता है, जगह ही नहीं है ना, आप खुद देखो जगह ही नहीं है, तो कहीं पर आ नहीं सकता। इसका मतलब होगा क्या, डी मेरा यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, ये समझना आप इस चीज़ को। बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम इस वाले पार्ट में, ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। डी यहाँ नहीं आएगा तो ए मेरा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब केस मेरा कौन सा चलेगा, ये वाला, ठीक है। तो डी मेरा यहाँ है, डी का पड़ोसी ये, इसको भी लेके नहीं चलेंगे, इसके सामने पी को नहीं रखना है, क्योंकि फिर आर के लिए जगह फिर से नहीं बनेगी राइट में। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इस पड़ोसी की बात करेंगे डी के जस्ट राइट वाले, तो होगा क्या, उसके जस्ट सामने पी आ जाएगा, ये पी यहाँ आ जाएगा, और पी से एक छोड़ के राइट में मेरा आर भी आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से पी और आर की सिटिंग हो गई, और डी और ए की भी सिटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी हो गई, यहाँ से हमें हमारी आधी ऑलमोस्ट जो है पजल बन चुकी है। उसके बाद देखो क्या है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड एस, तो क्यू और एस के बीच में एक पर्सन बैठेगा, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि क्यू यहाँ पर आएगा या एस यहाँ पर आएगा, एस भी यहाँ पर आ सकता है, यह आपको पता होंगी, हमने पिछले पार्ट्स में देखे हैं बहुत अच्छे से। तो पी क्यू आर एस, ये देखो क्यू और एस की जगह ये वाली है, इस वाले रो में ही आएगा, और जगह बचती कौन सी है, एक छोड़ के एक के लिए, तो यही पोजीशन बची। तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू और एस ऐसे लिख सकता हूँ, और एस और क्यू, मतलब इन दोनों में से कोई भी किधर भी आ जाएगा, बचा कौन, टी बच गया, टी को तो आप यहाँ रख दो, ठीक है। क्यू और एस तो यहीं आएंगे, या तो क्यू यहाँ आएगा एस यहाँ आएगा, या तो एस यहाँ आएगा क्यू यहाँ आएगा, ठीक है, वो हम देख लेंगे कहाँ पे क्या आता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, और बी और ई है वो इमीडिएट नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है। तो इमीडिएट नेबर्स की जगह तो यही बची बस, यहाँ पे आपको दिख रही होगी डी और ए के बीच में, तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ये लिख दिया है मैंने, थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया बी और ई, ई और बी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन कहाँ पर आएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, लास्ट कंडीशन ये बच गई है, ई डज नॉट फेस पी एंड क्यू, यानी कि ई जो है वो पी और क्यू को फेस नहीं करेगा, ठीक है। इससे क्या पता लगा, देखो पी की पोजीशन तो फिक्स है, क्योंकि पी की पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे ई नहीं आएगा, क्योंकि ई को फेस नहीं करेगा पी, ठीक है। तो यहाँ से ई मैं कट कर देता हूँ, ई को कट किया तो ई की पोजीशन फिक्स आ गई, यानी कि ये, और एक और चीज़ बोली है कि ई क्यू को भी फेस नहीं करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे एस आएगा, तो इधर पे यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी ऑलमोस्ट सारी हो गई हैं, ऑलमोस्ट क्या, सारी हो गई हैं, एक बच गया, देखो ए बी सी बच गया है हमारा, सी को आप यहाँ रख सकते हो। तो ये मेरा इस तरीके से केस मेरा कम्प्लीट हो गया है, और पज़ल मेरी सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ये दो रोज़, मतलब एक रो में भी मैंने दो डिवाइड क्यों कर दी थी, ताकि आपको एक नए सिरे से यहाँ पे लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, और आप एक ही, आप अगर आपने लाइन बना दी है तो दो जो केसेस हैं वो इनमें आप चला दें। देखो सर्कुलर सेटिंग में हमें दो सर्कल्स बनाने पड़ जाते थे, ठीक है, यहाँ पे दो हम केसेस ऊपर नीचे करके ले सकते हैं ना हमारी समझ के अकॉर्डिंग, तो हमारा यहीं पर ही काम हो जाएगा, क्यों हम एक नई लाइन बनाएँ और फिर उनको फिर से, देखो टाइम कंज्यूमिंग है सारा, हमारा गेम क्या सारा है, सारा का सारा हमें टाइम बचाना है, और करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा ये हमारी पजल जो है सॉल्व हो चुकी है। देखो क्वेश्चंस किस तरीके से पुटअप होते हैं वो हम देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटेड बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में कितने लोग हैं, देख लो, देखो क्यू ये रहा और टी ये रहा, दो लोग हैं क्यू और टी के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा टू, ठीक है। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है, यही होता है फोर ऑफ द फाइव अलाइक का मतलब, कि चार जो हैं पांच में से एक जैसा नेचर है, और एक जो है वो उसका नेचर अलग है, और वही ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट आपको निकालना है इसमें से। तो देखो आर एस सी टी ए इनकी बात कर रहा है, आर एस सी टी ए को चेक कर लो, देखो आर यहाँ पे है,
ठीक है, एस बीच में है कहीं, आर एस सी, सी यहाँ पे, टी यहाँ पे, ए यहाँ पे, तो हो क्या रहा है? देखो आर सी टी ए ये एक्सट्रीम एंड्स पे हैं, बिल्कुल कॉर्नर्स पे हैं, बिल्कुल चारों के चारों, और एक एस ही है जो बीच में कहीं है, तो इसका मतलब एस ही है हमारा जो ऑड वन आउट है, जो इनमें से अलग नेचर है जिसका, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आ गया होगा। हु अमंग्स द फॉलोइंग आर सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रोज, ठीक है, एग्जैक्टली इन द मिडल देख लो, पेयर ही देखना है, मतलब दोनों दोनों रोज की बात कर रहे हैं, तो पी यहाँ पे पी है जो बीच में, और यहाँ पे कौन है, बी है जो बीच में, तो पी और बी हैं ऐसे लोग जो मिडिल ऑफ द रोज हैं। ठीक है, तो पी और बी कहाँ पे है हमारा, ई ऑप्शन, ठीक है, पी और बी, ये भी हमारा हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बी, बी को लेके इनमें से कौन सी बात जो है वो एकदम ट्रू है, तो देख लेते हैं। ए एंड सी आर इमीजिएट नेबर्स ऑफ बी, ठीक है, बी के इमीजिएट नेबर्स क्या ए और सी हैं, देखो डी और ई हैं इमीजिएट नेबर्स, तो ये वाली चीज़ तो गलत हो गई है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस। ठीक है, बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, देखो ये तो बीच में था, आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने पिछले वाले ऑप्शन में ही हमने बी को मिड में किया है, तो ये बात तो वहीं की वहीं गलत हो जाती है। ठीक है, क्यू फेसेस बी, अब देखो क्या था कि बी सेंटर में बैठा था, और बी सेंटर में था, मिड में था, उसके जस्ट ऊपर की साइड मिड में पी था, ठीक है, तो क्यू तो फेस कर ही नहीं सकता बी को, ये आपको पता है, पी और बी फेस कर रहे हैं, तो पीछे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, और क्यों हम उसको फिर से डायग्राम को देखें, आपको सीधा ही दिख रहा होगा पीछे वाले क्वेश्चन की वजह से, तो ये भी मेरा गलत हो जाता है। टी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फेसिंग बी, इसका मतलब क्या है कि बी जिसको फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर क्या टी है क्या, ये चेक करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो देखो बी किसको फेस कर रहा था, पी को, तो पी का क्या इमीडिएट नेबर टी है क्या, क्यू और एस हैं इसके इमीडिएट नेबर, टी तो कॉर्नर पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन है और यही बचा है, तो ये तो सही होना ही चाहिए। डी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के जस्ट लेफ्ट में क्या डी है क्या, तो बी ये रहा, और डी के जस्ट, बी के जस्ट लेफ्ट में डी, हाँ बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस एस, एस को कौन फेस कर रहा है, बस ये देखना है हमें, तो एस ये रहा, एस को फेस करने वाला है हमारे यहाँ पे ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो देखो कितना ईजी था क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो मान रहा हूँ मैं इसमें 5 की जगह 6 कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी हैं इस टाइप के बेसिक्स, देखो हम इस वाले वीडियो में कवर कर लेंगे जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है उनका। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो अब पिछले वाले में देखो 10 पीपल आर सिटिंग थे, यहाँ पे 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, ठीक है, तो दो पैरेलल रोज बना लेते हैं पहले तो। ठीक है, अब 12 पीपल हैं, इसका मतलब मुझे यहाँ पे कितने बिठाने पड़ेंगे, एक में मुझे 6 बिठाने पड़ेंगे। ठीक है, और देखो फिर से मैं थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ दोनों के बीच में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ वो गैप क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप यहाँ पे भी एक केस लिख सकें, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो ये वही सीधी सी बात फिर से वही करेगा, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नॉर्थ, ये वाले जो साउथ फेस कर रहे हैं, और ये वाले जो हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कौन कहाँ पे, रो वन में कौन बैठा है, पी क्यू आर एस टी एंड वी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी क्यू आर एस टी और वी, ये लोग इधर यहाँ बैठेंगे, और यहाँ पे कौन बैठेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये लोग साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर इन द, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि सब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, इतना हमें आ गई हैं अब चीज़ें, देखो बना लेते हैं एक एक एरो अगर बनाना है तो, वरना ज़रूरत तो है नहीं। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ठीक है, तो क्यू के थर्ड राइट में कौन है, एस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं पे आएंगे, ये वाली रो की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ईदर एस और क्यू सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, मतलब कि या तो एस या तो फिर क्यू, ये कहाँ बैठेंगे, एक्सट्रीम एंड पे बैठेंगे, यानी कि कॉर्नर पे, या तो एस कॉर्नर पे मिलेगा या तो क्यू कॉर्नर पे मिलेगा। अब देखो ये बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए, इससे क्या हो सकता है, इससे हम इनकी पोजीशंस एक बार के लिए केसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो एस को देखो वही चीज़ है, फिर से इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, अगर मेरा क्यू यहाँ पे है तो क्यू का राइट ये होगा, मतलब एस यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ में आप कन्फ्यूज मत होना, ये क्यू का लेफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है। ठीक है, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आके कुछ गलत स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो एस हमें राइट में प्लेस करना है। ठीक है, तो एस मान लो मैं यहाँ रखता हूँ, और दो छोड़ के ये मेरा हो गया है क्यू, तो यहाँ से क्या हुआ, क्यू मेरा एक्सट्रीम एंड पे आ गया। ठीक है,
अब एक एक में मैं एस को एक्सट्रीम एंड पे ले लेता हूँ, तो ये मेरा एस मैंने यहाँ ले लिया और दो छोड़ के ये मेरा हो गया है क्यू। तो देखो एक केस मैंने ये बना लिया और एक केस मैंने ये बना लिया है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक्सट्रीम एंड पे देखो मैंने रख दिया एक बार क्यू को एक बार एस को। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट कंडीशन, द वन हु फेसेस क्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। तो मतलब कि क्यू को जो फेस कर रहा है वो किसके ई के सेकेंड राइट में है, ठीक है, इस तरीके से। ये है हमारी ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं नीचे वाले पार्ट की बात करूं और क्यू मेरा यहाँ है, ठीक है, इसका मतलब ई कहाँ पे आएगा, ई मेरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड टू द राइट, ये हो गया ई का और वो क्यू को फेस कर रहा है, यही तो बोल रही है ये कंडीशन, ठीक है। उसी के साथ ऊपर वाले केस की बात कर लेता हूँ, यानी कि क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, तो उसके लिए मेरा ई कहाँ पे आ जाएगा, ई मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझना आप, और यहाँ पे भी हम उसी तरीके से दो केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ में आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला जो केस है इसका ये वाला केस इसके इस वाले केस के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये केस इस केस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर ये लाइन कट होती है मेरी, पूरा केस ये गलत हो जाए, तो उसके साथ ये केस गलत हो जाएगा मेरा पूरा, ठीक है, इस चीज़ में आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्या है नेक्स्ट, और देख लेते हैं कंडीशंस। ये ई तक मेरी हो चुकी है, टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ, ठीक है, तो बी और एफ के बीच में दो लोग बैठेंगे। अब कोई भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। और देखो क्या है, नीदर बी नॉर एफ सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, यानी कि बी और एफ दोनों के दोनों ही एक्सट्रीम एंड पे नहीं मिलेंगे हमें, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्सट्रीम एंड्स वाले जितने भी होते हैं इनको आप ध्यान रखा करो, इसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारी जो कंडीशन है उनको पुट करना होता है, ठीक है। उसी से ही हमारे केसेस गायब होते जाते हैं और क्लियर एक पजल जो है वो सॉल्व होती जाती है, ठीक है। तो ये देखो बी और एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं है और बी और एफ के बीच में दो लोग बैठेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान लो मैं ई को यहाँ पे रखता हूँ, देखो जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, बी को यहाँ रख नहीं सकता क्योंकि बी और एफ को एक्सट्रीम एंड पे रखना नहीं है। तो बी को अगर यहाँ रखूँ, दो लोग छोड़ के एफ एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझो, अगर ई यहाँ पे रहता है तो बी और एफ में से दोनों में से किसी न किसी को एक्सट्रीम एंड पे आना ही पड़ेगा। तो इसलिए होगा क्या, मेरा जो ई है वो यहाँ नहीं आएगा, और ई कहाँ पे आएगा, यहीं आएगा जहाँ मेरा ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यानी कि ये वाला केस, यहाँ पे आएगा ई, ठीक है। और बी और एफ की पोजीशन क्या बनेंगी, ये वाली, बी और एफ में से बी यहाँ पे कोई आएगा और उसी तरीके से यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि ई मेरा फाइनल हो गया तो मैं क्यू का भी केस हटा सकता हूँ। देखो नीचे से मैंने ये हटाया तो नीचे के ही आप ये क्यू और एस को हटा दो, ये क्रॉस हो गया, ठीक है। तो मेरे ऊपर वाला केस ही यहाँ पे सही है, और एस और क्यू की पोजीशंस फाइनल हैं, बी एफ और एफ बी और ई ये फाइनल हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे प्लेसिंग हो रही है, ठीक है। द इमीजिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसको आप समझो, समझना ज़रा, कि बी का इमीजिएट नेबर है जो, ठीक है, उसको कौन फेस कर रहा है, फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये पी हो गया अगर मेरा एक दो तीन, ये मेरा थर्ड टू द लेफ्ट है, इसको फेस पी के थर्ड लेफ्ट में जो है उसको फेस कर रहा है बी का इमीडिएट नेबर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है नेबर इस साइड ही हो, नेबर इस साइड भी हो सकता है बी के, ठीक है, इस चीज़ में ये थोड़ी सी अंडरस्टूड चीज़ है, इसको आप समझ लेना अपने आप लेके। और एक और चीज़ है, देखो अभी मैंने पी को यहाँ किया है और पी का लेफ्ट यहाँ किया है, लेकिन होगा क्या एक्चुअल में, जिस तरीके से देखो यहाँ पे क्यू था और क्यू के मैंने राइट में एस को किया था, ठीक है, इसी तरीके से अब क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये देखो अगर यहाँ पे अगर मेरा क्या होगा, पी मेरा यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और पी के लेफ्ट में ये मेरा थर्ड आ जाएगा पर्सन, ये वाला जो भी होगा, ये मुझे नहीं पता अभी कौन है, बट जो भी होगा वो पर्सन यहाँ पे आएगा और पी इधर की साइड आएगा, मतलब समझ रहे आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये सारे साउथ की साइड फेस करके बैठे हैं, ठीक है। अब देखो बी का जो पड़ोसी है वो फेस कर रहा है किसको, पी के जो लेफ्ट में है उसको। अब मान लो मैं बी को यहाँ रखता हूँ, आपको दिख रहा होगा बी और एफ में से मैं यहाँ पे किसी को भी रख सकता हूँ, तो बी को अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो उसका पड़ोसी मतलब ये इमीडिएट नेबर ये, और इसको फेस करने वाला कौन, ये देखो जो कॉर्नर पे आ गया एक्सट्रीम एंड पे, तो क्या ये पी के लेफ्ट में हो सकता है क्या, पी का लेफ्ट में लाने के लिए मतलब पी को मुझे यहाँ कहीं रखना पड़ेगा जो कि आ ही नहीं सकता,
मेरी सेटिंग से ही बाहर हो गया वो तो। ठीक है, अब उसी तरीके से देखो मैं इनको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ये मैंने यहाँ से मिटा दिया है, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा और मिटा देता हूँ, फिर से देख लेते हैं। देखो मैं क्या कह रहा था, यहाँ से पी बी का पड़ोसी यानी कि ये इसको फेस करवाने वाला ये, तो ये पी का थर्ड लेफ्ट में नहीं हो सकता, यानी कि पी को यहाँ होना पड़ेगा कहीं, जो कि हो नहीं सकता, सिटिंग के बाहर हो जाएगा। सिमिलरली बी के पड़ोसी अगर मैं इसको रखता हूँ और इसका सामने मैं इसको रखता हूँ, ठीक है, इसके इसके फेस सामने अपोजिट फेस करने वाला ये हुआ, तो पी को यहाँ कहीं रखना पड़ेगा फिर से, लेकिन थर्ड पोजिशन पे, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। तो इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब मुझे समझ में आई है चीज़ कि बी मेरा यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एफ आएगा और यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा। ठीक है, उसी के साथ आप एक और चीज़ देखो कि बी अगर यहाँ है और बी का इमीडिएट नेबर यानी कि ये जो केस था हमारा कंडीशन, ये इमीडिएट नेबर मैं इसको कंसिडर करूँ और इसके अपोजिट कौन बैठा है क्यू, तो ये मेरा पी के थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए। इसका मतलब 1 2 3 पी यहाँ कहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी एस है, तो इसका मतलब मैं इस इमीडिएट नेबर की बात नहीं कर सकता हूँ इस कंडीशन के केस में। तो इसका मतलब यहाँ पे इस इमीडिएट नेबर यानी कि ई की बात होगी, और ई के जस्ट सामने कौन होगा, ये जो भी है ये हमें नहीं पता अभी, ठीक है, ये है। तो और इसको बनाना है पी का थर्ड लेफ्ट, तो इसका मतलब 1 2 3 यहाँ पे मेरा पी आ जाएगा। ठीक है, और मेरा यहाँ से पी इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे पोजिशनिंग करी है, पी यहाँ पे किस तरीके से फाइनलाइज हुआ हमारा। ठीक है, और इसी के साथ एफ और बी भी फाइनल हो गए हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। अब आर और टी इमीडिएट नेबर होंगे एक दोनों के, तो और आर और टी की जगह यहाँ है इस वाली रो में, फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब आर और टी यहाँ कहीं आएंगे, कोई भी किधर भी आ सकता है, वो हम देख लेंगे अभी। ठीक है, सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, सी है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए है, और कोई जगह हमारे पास देखो इस वाली रो में दिख नहीं रही है, सिर्फ यही पोजीशन है जहाँ पे आ सकता है। सी हो गया ये और ये हो गया मेरा ए, तो सी जो है ए के सेकेंड टू द लेफ्ट में आ गया। उसके बाद देखो जो पोजीशन बच गई वो हो गई मेरी डी की। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट वाला जो कंडीशन है उसको देख लो, टी डज नॉट फेस द इमीजिएट नेबर ऑफ डी। डी के इमीजिएट नेबर यानी कि बी को कौन फेस नहीं कर रहा है, टी जो है वो नहीं करेगा। इसका मतलब टी को मैं यहाँ से हटा दूंगा, और टी को यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ से मैं आर को हटा दूंगा, तो ये मेरा देखो फाइनल हो गया। तो बच कौन गया, वी बच गया, वी को यहाँ पे रख दो, और ये मेरी जो है पजल जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने कंडीशंस को प्लेस किया है, किस तरीके से कंडीशन को हटाया है, किसको कैंसिल आउट किया, क्या हमने यहाँ पे हमारे अप्रोच को यूज़ किया है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। देखो सॉल्व हो चुकी है तो क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। इनमें से कौन है जो वो एक्सट्रीम एंड्स पे बैठा है। ठीक है, तो देख लो सी डी पी पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैसे बात कर रहा है, एस डी की बात कर रहा है, तो एस डी एस और डी तो यहाँ पे नहीं है, एस यहाँ पे है बीच में कहीं है, डी तो है। ठीक है, क्यू ए को देख लो, क्यू यहाँ पे है लेकिन ए बीच में है। वी सी वी सी को देख लो, वी यहाँ पे है और सी इधर है। ठीक है, और पी डी में देख लो, पी इधर है और डी इधर है, ये हमारा आंसर हो सकता है। क्यू एफ भी यहाँ पे, क्यू इधर है और एफ बीच में है, तो पी डी ही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। हाउ मैनी पर्सन्स आर सिटेड बिटवीन वी एंड आर, वी और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा वी और ये रहा हमारा आर। ठीक है, तो दो लोग जो हैं वी और आर के बीच में बैठे हैं, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, पी इज़ रिलेटेड टू ए इन द सेम वे एज एस इज़ रिलेटेड टू बी। अब देखो जिस तरीके से पी ए से रिलेटेड है और एस बी से रिलेटेड है, उसी तरीके से क्या करना है हमें, टी किससे रिलेटेड है ये देखना है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बात कर रहा है, कि कैसे रिलेशन देख रहा है पी और ए का। पी इज़ रिलेटेड टू ए और एस इज़ रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी इज़ रिलेटेड टू ए, मतलब कि इमीजिएट जो एग्जाम अपोजिट है उसका सेकंड राइट है यहाँ पे, यानी कि पी और ए की अगर बात कर रहा है तो पी के जस्ट जो है सामने वो ए का सेकंड पे लेफ्ट है। ठीक है, उसी के जैसे हमें एक और बोला था, वो क्या बोला, एस इज़ रिलेटेड टू बी।
ठीक है, तो एस इज रिलेटेड टू बी में भी सेम चीज़ है, एस यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो एस के जस्ट सामने जो है वो बी का सेकेंड लेफ्ट है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से अब बोल रहा है कि टी किससे रिलेटेड है सेम पैटर्न में, ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो करना है, तो टी यहाँ पे है अगर, तो टी के जस्ट सामने जो है यानी ई, तो ई का सेकेंड राइट कौन हो गया, डी, तो सेम टी और डी रिलेटेड हो जाएंगे अब आपस में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टी, टी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा जो बात है वो एकदम ट्रू बोली गई है, एफ फेसिस टी, कि एफ जो है वो टी को फेस कर रहा है, देख लेते हैं, एफ जो है वो वी को फेस कर रहा है, नहीं ये वाला गलत है हमारा केस। ठीक है, वी इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ टी, जो वी है वो टी का इमीजिएट नेबर है, टी ये रहा और वी इमीजिएट नेबर नहीं है, देखो एस और आर हैं इसके इमीजिएट नेबर, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, एफ फेसिस द वन हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, ठीक है, मतलब टी के जो भी सेकेंड टू द राइट है उसको कौन फेस करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए एफ। ठीक है, ये देखना है हमें, तो ठीक है, तो टी हमारा यहाँ पे ये है, तो टी का सेकेंड राइट कौन है, वी, तो वी को जस्ट कौन फेस कर रहा है, एफ, बिल्कुल सही बात है ये वाली। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा सही हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ, और तो ऑप्शंस देखने की देखो अब जरूरत नहीं है, एक अगर हमारा सही हो गया तो बाकी गलत ही होंगे। ठीक है, तो लास्ट जो है, लास्ट जो क्वेश्चन है उसको और देख लो, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, मतलब वही बात है फिर से, देखो वही चीज़ बोल रही है, हमने पिछले वाली पजल में भी वही देखा था कि इनमें से पाँच का एक जैसा नेचर होगा, एक जो होगा वो इनमें से ऑड वन आउट होगा, तो हमें बस उस ऑड वन आउट को देखना है। तो ए और टी को देख लो, बी टी को देख लो, देख लेते हैं एक बार, ए टी, ए टी का नेचर कैसा है, यही तो होगा और क्या है, ए हमारा यहाँ है और टी हमारा यहाँ है, मतलब कि ए के जस्ट अपोजिट जो है उसके किस में है, उसके लेफ्ट में है कौन, टी। ठीक है, ये आप समझ लो एक बार, ठीक है, ऐसे। और देखो क्या है, बी टी, ए टी भी हो गया, बी टी भी हो गया, बी टी भी देख लो, बी टी कहाँ पे, तो बी ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से वही चीज़ हो रही है, देखो बी यहाँ है, सॉरी बी यहाँ है और यहाँ पे जो है उसके साइड में, उसके राइट में है टी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और देख लो एफ टी, देखो ये हो क्या रहा है अभी, हम देखो हमें स्लाइड्स जो हैं वो आगे जाके चेक करनी पड़ रही है, पीछे जाके हमें सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, अदरवाइज होगा कि आपके सामने जस्ट यहाँ पे पजल बनी ही होगी और यहीं पे ही क्वेश्चन होगा, तो हो करोगे क्या आप सीधा ही चेक कर लोगे, आपको इतना टाइम जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, एफ पी को देख लेते हैं, एफ पी, ये रहा एफ और ये रहा हमारा पी। ठीक है, तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई है कि हमें अगर एफ पी की बात करी है तो एफ ये अगर इधर है, ठीक है, और इसका अपोजिट यहाँ पे कोई है, तो उसके राइट में जो पर्सन है वही हमारा जो है वो ऑड वन आउट का केस नहीं है, वो हमें बेसिक सेम नेचर है। ठीक है, जैसे क्या हुआ था बी और टी, ऐसे ही कौन थे एफ और पी, तो इसका मतलब होगा क्या ए और टी मेरा गलत ही होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि देखो एफ इधर है पी इधर है, जस्ट अपोजिट के इधर की साइड। ठीक है, वैसे ही बी और टी को देखें तो जस्ट अपोजिट के इधर की साइड, लेकिन ए और टी को देखें तो जस्ट अपोजिट के इधर की साइड नहीं हो रहा है, राइट साइड हो रहा है, तो इसका मतलब ए और टी वाला केस जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी गलत नहीं होगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑड वन आउट होगा तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए एक बार और चेक कर लो आप कि सी और वी को चेक कर लो। ठीक है, सी और वी को देखो आप, तो यहाँ पे देखो ये है सी और सी के इधर, देखो ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पे यही कन्फ्यूजन हुआ है अभी कि सी और वी की बात करी है, तो इसका मतलब हो यही रहा है कि अब फिर से अपोजिट के इधर चला गया है, सी यहाँ है और वी यहाँ है। ठीक है, तो जस्ट इधर के अपोजिट वही क्या हुआ था, बी के इधर हो गया, ए के इधर हो गया, एफ के इधर हो गया। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है, जस्ट यहाँ से अपोजिट के या तो लेफ्ट में या तो राइट में जाता जा रहा है। तो लास्ट ऑप्शन को देखो अब आप, ई और क्यू, ई और क्यू को देखो, ई हमारा इधर है और क्यू हमारा इधर है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जस्ट अपोजिट के इधर लेफ्ट और इधर राइट में ही हमें जाना था, लेकिन ई के जस्ट अपोजिट के इधर लेफ्ट राइट में नहीं जा रहे हैं, हम जंप करके सीधा सेकंड पे चले जा रहे हैं, सेकंड लेफ्ट और सेकंड राइट जो भी कह सकते हो आप, तो वो आ रहा था हमारा, तो इसका मतलब यही हमारा ऑड वन आउट है, अगर हम जल्दी कर देते तो हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता था यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी
हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गए होगा कि किस टाइप से हमने इस पज़ल को बनाया है। इससे पीछे वाली पज़ल को भी बनाया था। देखो यही आता है लीनियर में, इसके साथ जो भी मिक्स होते हैं लाइक्स डिसलाइक्स या ब्लड रिलेशन मिक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हम आगे के वीडियोस में कवर कर लेंगे। जो बेसिक वाला जो पार्ट है कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, वो इस वाले वीडियो में कवर करवा दिया गया है। बाकी बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैव अ गुड डे।